I'm repeating the definition of social studies, because before we start our topic, I want you to know about what is a social studies. ठीक है, सबको पता होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता हो हम पढ़ क्यों रहे हैं. सो द सोशल स्टडी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरमेंट. एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, द एनवायरमेंट क्या मतलब एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट जिसमें हम रह रहे हैं. देर आर थ्री काइंड, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन आर एनवायरमेंट. मैंस एनवायरमेंट इंक्लूड अदर पीपल. जैसे हमारा एनवायरमेंट, मैं अपना एनवायरमेंट कहूँगी तो मैं क्या कहूँगी, जो मेरे आसपास जो लोग हैं, द पीपल अराउंड मी आर माई एनवायरमेंट, इज माई एनवायरमेंट. ठीक है, दैट इज माई एनवायरमेंट. एंड द एनिमल्स विद एनिमल्स एनवायरमेंट क्या हुआ, एनिमल्स का एनवायरमेंट वो हुआ जो फॉरेस्ट में दे आर इंटरेक्टिंग विद अदर एनिमल्स. मेरा एनवायरमेंट क्या हुआ, मेरा एनवायरमेंट ये हुआ जो मैं दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, जो मेरे सराउंडिंग में है. ठीक है, ये मेरा एनवायरमेंट हो. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी सोशल स्टडीज बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट इन स्टडींग मैन एंड हिज एनवायरमेंट. वी शुड नो, हम जहाँ रहते हैं हमें उन चीज़ों के बारे में पता बिल्कुल होना चाहिए. ठीक है, दिस इज सोशल स्टडीज. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर topic, which is places. Open your book, page number 1. Everyone please open page number 1 of your textbooks. Page number 1 of your textbook, which is places. Yes, Manahil. I have unmuted you, Manahil. सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज. ऑलराइट, आई गेस बेटा थोड़ा इंटरनेट का इशू है आपकी तरफ से, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी. स्टूडेंट्स, इज माय वॉइस लाउड एंड क्लियर टू यू ऑल, जस्ट शो मी थम्स अप. Is my voice loud and clear? Just show me thumbs up so that I'll move forward. Okay, thanks everyone. So page number 1, yes Mahiruddin, page number 1 of your SST textbook. Okay, the topic is places. Good, Umul Baneen, and what about the rest of the students? Do you all have your SST textbooks with you? Good, Mehani. Okay. In the places, we are going to learn about 6 things which come in the topic places. Kaun kaun se wo topic hain jo sub topics aa jayenge isme? Village life, Pakistan, four neighbors, Asian cities, city facts, cold places. ठीक है, ये जो places है ना आपका, इस topic में हम 6 चीजें इन सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे. सबसे पहला हमारा आएगा विलेज लाइफ. विलेज लाइफ क्या होता है, विलेज क्या होता है, विलेज किसी को पता है, गांव जिसको हम कहते हैं. एक सिटी लाइफ होती है, एक विलेज लाइफ होती है. सिटी लाइफ जो हम जहां रहते हैं, कराची इज अ सिटी राइट, तो जो गांव होता है वहां की लाइफ अलग होती है. हम ये सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे. मैं फिर से रिपीट कर दूं, द टॉपिक इज प्लेसेस एंड द सब टॉपिक्स इन दैट वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट. विलेज लाइफ, पाकिस्तान, फोर नेबर्स, एशियन सिटीज, सिटी फैक्ट्स एंड कोल्ड प्लेसेस. फार्मिंग स्किल्स, ही स्टार्टेड कॉर्न, सोइंग एंड रीपिंग. Man also learned to do new jobs related to farming. Look, he is clearing land for farming, erecting bunds to block river water. He could not do all this work alone. What did he do then? Man got together with many other people. All of them started farming on a large scale. Slowly,
they started depending on one another. The people realized. So I'm repeating it again for you all. As I have told you before, that what is social studies? All right. हमने आज की क्लास में क्या किया? We learned about what is social study. क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हम पढ़ क्या रहे हैं. इंट्रोडक्शन हुआ सोशल स्टडीज का, देन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन इन द फर्स्ट चैप्टर, उसका हमने इंट्रो किया, क्या था इंट्रो, प्लेसेस हुए, उसकी सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, विलेज लाइफ, पाकिस्तान, फोर नेबर्स, एशियन सिटीज, सिटी फैशन, ओल्ड प्लेसेस. आज हमने इंट्रो किया विलेज लाइफ का. एंड लास्टली व्हाट वी डिड, आप सब ने डायरी लिखी, which is draw and color of your house in your notebook. This class was all about this. I hope, is it clear to you all?